आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जेई मेंस 2019 का 10 जनवरी का शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। द आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, जो आई है उसे क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्फेस इज इक्वल टू द कॉर्निया। ओके, तो हमारे पास इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कॉर्निया के कर्वेचर के इक्वल है, जो कि कितना वैल्यू दे रखा है, 7.8 mm। दिस सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया, और कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, टू मीडिया को सेपरेट कर रहा है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 है और 1.34 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम टू फोकस। तो हमें फाइंड करना है कि द डिस्टेंस वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम टू फोकस, मीन्स हमें फाइंड करना है कि इमेज, ओके, इमेज की पोजिशन क्या होगी। ओके, पैरेलल बीम आ रही है और वो किस पॉइंट पे कट करेंगे। सो लेट्स डू दिस। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको फिगर आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे आपको फॉर कन्वीनियंस। तो ये हमारी क्या हो गई, पैरेलल बीम हो गई, और ये दो क्या हो गए, अलग अलग मीडियम्स हो गए, और ये क्या हो गया, 7.8 mm उसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो आई होती है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, एक तरह से रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा, हमारे पास फार्मूला होता है म्यू टू अपॉन वी इज माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। म्यू टू की वैल्यू क्या है, 1.34 अपॉन वी, वी हमें फाइंड करना है, माइनस म्यू वन की वैल्यू क्या है, 1 है अपॉन हमारी बीम क्या है, पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल जब भी बीम आती है इसका मतलब हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ओके, तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1.34 माइनस 1 अपॉन में आर, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 7.8। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई इन्फिनाइट 0 हो जाएगी। तो 1.34 अपॉन वी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0.34 अपॉन 7.8। अब हमें क्या करना है, वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमारी वी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वी इक्वल टू ये क्या आएगा, 1.34 इंटू 7.8 अपॉन में 0.34। ओके, सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने पर ये हमें कितना मिलेगा, 30.7 मिलीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर किस में आया, मिलीमीटर में आया है। अब इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.07 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसे राउंड ऑफ करें तो 3.1 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर है, अप्रॉक्स आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.1 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो इसे हम अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।